am the leader, I am the king. I can bring nightmare on the scene. Ready for action, ready for war. I know I'm a murderer. जय श्री राम। वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है वीरेन और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवलर वीरेन पे। तो मैं आज जिस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ वो है फॉर्मूला वन। और फॉर्मूला वन जो कार है इंडिया में वापस आने वाली है। लास्ट टाइम इंडिया में आई थी 2015 में, उसके पहले आई थी 2011-12-13 में जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे जो फॉर्मूला वन की रेसेस हुई थी तब आई थी। उसके बाद से जो फॉर्मूला वन इंडिया से चली गई थी उसके बाद कभी नहीं आई। 7 साल हो गए फॉर्मूला वन कार इंडिया में नहीं आई। तो अभी फॉर्मूला वन जो कार है वो इंडिया में आने वाले और उसके बारे में बताऊंगा कि कब आने वाली है, कौन सी रेसिंग टीम आने वाली है या रेस होने वाली है या क्या होने वाला है। तो वीडियो चालू करते हैं यार, वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे फॉर्मूला वन के बारे में, फॉर्मूला वन रहता क्या है और फॉर्मूला वन जो है इंडिया से क्यों चला गया था। तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। फॉर्मूला वन जो रेस है वो कार्स रेस में सबसे बड़ी रेस रहती है। कार्स में बहुत सारी रेसेस होती है, GT2, GT3, GT4 रेसेस, फिर 24 आवर्स की रेसेस, फिर NASCAR रेस, बहुत सारी रेस के बहुत अलग अलग टाइप रहता है। फॉर्मूला ई भी रहती है जो इलेक्ट्रिक कार की रेस रहती है। बस उन सब में सबका जो बाप रहता है वो रहता है फॉर्मूला वन। और फॉर्मूला वन जो रेस है ये इंडिया में, इंडिया ने होस्ट भी किया था 2011-12-13 में बैक टू बैक। और सेबास्टियन वेटल जो अभी रिटायरमेंट लिए इस साल ही, जो पहले रेडबुल रेसिंग से रेस करते थे, उसके बाद फरारी में 4-5 साल उन्होंने रेस किया और उसके बाद जो है वो एस्टन मार्टिन जो कि इंडिया की टीम थी फोर्स इंडिया, उनको एस्टन मार्टिन ने एक्वायर कर लिया और वो उस टीम से रेस करते थे। तो उन्होंने 2021 और 2022 पूरा सीजन एस्टन मार्टिन के लिए रेस की। तो ऐसा क्या हुआ कि फॉर्मूला वन जो है इंडिया में इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी वापस चला गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्मूला वन 2011 में इंडिया में आया था तो बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए थे, बहुत ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर जो कैपेसिटी थी वो पब्लिक वहाँ पर आई थी। तो बात आ जाती है कि फॉर्मूला वन जो है इंडिया से वापस क्यों चला गया, क्योंकि जो BIC बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो है ये UP गवर्नमेंट के अंडर आता है, नोएडा में आता है ये। और UP गवर्नमेंट का कहना था कि ये कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है या फिर ये कोई स्पोर्ट्स नहीं है, एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है। इसके वजह से यूपी गवर्नमेंट फॉर्मूला वन के ऊपर एंटरटेनमेंट का टैक्स लगाती थी। तो टैक्स डिस्प्यूट के कारण फॉर्मूला वन और यूपी गवर्नमेंट के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। उसके बाद जो है 2011 में तो ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास पब्लिक थी स्टैंड्स में। उसके बाद जो है क्राउड कम होते गया, टिकट्स बिक नहीं रही थी। फिर 2012 में थोड़ा कैपेसिटी जो है मतलब पब्लिक का वो कम हो गया। फिर 2013 में ऑलमोस्ट 60,000-55,000 के आसपास आई थी। तो उसके कारण जो है टिकट्स बिक नहीं रही थी, फिर जो स्पॉन्सरशिप आनी चाहिए थी वो नहीं थी, फिर सही से पब्लिसिटी नहीं हो रही थी, उसके कारण लोग नहीं आ रहे थे। तो उसके कारण जो है फॉर्मूला वन ने इंडिया से जाना ही बेहतर समझा। उसके बाद से फॉर्मूला वन इंडिया में कभी नहीं आई। सिर्फ रेडबुल रेसिंग जो है वो 2015-2016 के टाइम पे हैदराबाद आई थी। जो रेडबुल रेसिंग जो है वो एक ऐसे इकलौती मतलब एक दो टीम सी है, उनकी कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, फिर भी उनकी एक फॉर्मूला टीम है। वो दूसरों से इंजन लेते हैं, जैसे रेडबुल रेसिंग है पहले होंडा का लेती थी, अभी खुद ही मैंने मतलब इंजन बना रही है। तो ये जो है ये अपनी जो ब्रांड नेम है, जो रेडबुल नेम है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप करती है। तो ये हमेशा एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करती है शो रन करके, तो ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड चलता रहता है। तो उसी के लिए हैदराबाद में आई थी। तो वहाँ पर जो हैदराबाद की स्ट्रीट थी उसके ऊपर जो फॉर्मूला वन कार है, डेविड कोल्टार के बारे में आपको पता रहेगा, सेबास्टियन वेटल के साथ उन्होंने बहुत सारी रेसेस की है, तो वो जो कार है वो यहाँ पे लेके आए थे और हैदराबाद की स्ट्रीट में चलाई थी। तो अभी वही कार जो है RB7 जो चैम्पियनशिप 2011 की जो सेबास्टियन वेटल चैम्पियनशिप जीते थे और इंडिया में जीते थे, वो कार जो है वो इंडिया में लेके आने वाले हैं और डेविड कोल्टार ही उसको चलाने वाले। तो ये आने वाली है दोस्तों मुंबई में, और आप डेट सेव कर लो, ये आने वाली है 12 मार्च को 2023 में मुंबई में आने वाली है। लोकेशन जैसे ही, अभी तक वेन्यू जो है वो मुझे पता नहीं चला है,
वो जैसे ही पता चलेगा मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा, बट मोस्टली ये आएगी मरीन ड्राइव हो गया, सी लिंक हो गया या गेटवे ऑफ इंडिया के पास में, ये तीन लोकेशन ही है, उसके अलावा किधर नहीं जा सकती है। मैं आपको शोरन के बारे में बताता हूँ। रेडबुल एक बड़ा ब्रांड है और रेडबुल रेसिंग के नाम से फॉर्मूला वन में एक टीम भी है, पर रेडबुल जो है बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा जो है अपना जितना भी प्रॉफिट रहता है वो ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट में करता है, बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप करता है, बहुत सारे फनी इवेंट्स करता है, जैसे सोप बॉक्स रेसेस होती है जो आपने यूट्यूब पे देख सकते हैं अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है। फिर एक उसका नाम नहीं पता है मुझे, ह्यूमन प्लेन रहता है, उसके बारे में भी मतलब ऐसे जंप करना रहता है रैक से, वो भी रहता है। और एक जो वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे शोरन भी कराती है, उनकी जो फॉर्मूला वन टीम रहती है और उनके जो रिजर्व ड्राइवर रहते हैं या कभी कभी जो मेन ड्राइवर जो उनका पेयर है, जैसे अभी के टाइम पे मैक्स वर्स्टैपेन जिन्होंने 2021 और 2022 ड्राइवर चैंपियनशिप जीती है, और सर्जियो पेरेज जो कि इंडियन टीम मतलब जब इंडिया की टीम भी थी फॉर्मूला वन में फोर्स इंडिया के नाम से उसके लिए रेस करते थे, वो अभी रेडबुल रेसिंग के ड्राइवर है। तो ये हमेशा पूरे वर्ल्ड वाइड अलग अलग सिटीज में जाते हैं अपनी फॉर्मूला वन रेस की मतलब फॉर्मूला वन की कार लेके, और वहाँ पे एंटरटेन करते हैं वहाँ की पब्लिक को। वहाँ पे जैसे कार लेके जाते हैं, और फॉर्मूला वन जो कार है स्पेशली आपको सिर्फ और सिर्फ रेस ट्रैक पे दिखेगी, पर इकलौती जो रेडबुल रेसिंग है ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में घूमती रहती है और ऐसे इवेंट करती रहती है। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग माहौल रहता है वहाँ पे, और सिर्फ यही नहीं कि बहुत सारे फ्री स्टाइलर स्टंटर रहते बाइक के वो भी वहाँ पे आते हैं। रेडबुल हमेशा प्रमोट करता है ऐसे लोगों को जिनके अंदर ऐसे मोटर स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट रहता है या ऐसा कुछ रहता है, उनमें अलग एक जिगरा रहता है या बहुत सारे थ्रिलिंग एक्शन जो सीन रहते हैं या स्टंट रहते हैं वो परफॉर्म कराती रहती है। तो वही शोरन जो है ये मुंबई में होने वाला है और ये 12 मार्च को होने वाला है। तो आप वहाँ पे ज़रूर जाइए, क्योंकि बहुत मतलब सालों बाद फॉर्मूला वन जो कार है इंडिया में आ रही है, और शायद से मुझे लग रहा है कि फॉर्मूला वन जो है इंडियन पब्लिक को या इंडियन लोगों को हिंट देना चाहती है कि हम वापस आने के लिए रेडी है, और आप भी रेडी हो जाओ। और इकलौता जो हमारे पास इंटरनेशनल सर्किट है BIC जो दिल्ली के साइड में है, वो मतलब बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था एज अ फॉर्मूला वन रेस ड्राइवर जो रहते उनको बहुत अच्छा लगा था। और ये अभी सिर्फ और सिर्फ जो अमीर लोग हैं उनके शौक का एक मतलब प्लेस बन गया है, जैसे उनके पास जैसे सुपर कार स्पोर्ट्स कार रहती है वो वहाँ पे जाके अपनी गाड़ियों को भगाते। बाकी इतना 400 मिलियन जो JP ग्रुप ने खर्चा किया था वो पूरा का पूरा ऐसे वेस्ट हो गया है। तो अभी एक और अच्छी बात है कि 2023 में जो 22 सितंबर को जो MotoGP की रेस है ये इंडिया में होने वाली है, और धीरे धीरे जो फॉर्मूला वन भी है शायद इंडिया में आ जाए, तो ये अच्छी बात है। तो यार आप मिलिए मुझे वहाँ पे और मैं वहाँ पे ज़रूर जाने वाला हूँ, आप भी ज़रूर जाइए। आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन थी अच्छी लगे, तो मेक श्योर है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, राम राम।